सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स यूआईडी इन 2022। गाइस मेरे पास फ्री फायर का 4 साल पुराना गेम प्ले है। तो गाइस उसके अंदर हमें बहुत सारे प्लेयर्स की यूआईडी में मिली है। तो गाइस आज हम लोग उन यूआईडी को सर्च करने वाले हैं 2022 के अंदर और देखने वाले हैं कि अभी के टाइम में उनके पास कौन कौन से रेयर बंडल्स आ चुके हैं। उनके पास रेड क्रिमिनल बंडल और हिप हॉप बंडल जैसे रेयर बंडल्स हैं, फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था, 5 ही दिन गेम खेला और डिलीट कर दिया। गाइस ये सवाल तो बड़ा मजेदार है, इसको जानने के लिए हम लोग बने रहना वीडियो के एंड तक। और गाइस जैसे कि आपको पता होगा हमारी हर वीडियो के अंदर होता है कि स्पेशल प्लेयर, तो गाइस आज की हमारी वीडियो का स्पेशल प्लेयर होने वाला है अमित भाई, मतलब कि हमारे देसी गेमर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला 2017 के अमित भाई वर्सेस 2021 के अमित भाई। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो 2017 में अमित भाई कैसे होंगे? क्या वो उस टाइम में भी चैलेंजेस करते थे या फिर उस टाइम में उनका गेम प्ले कैसा था? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना। यार आज मैं ऐसे प्लेयर्स की आईडी सर्च कर रहा था, तो गाइस उनमें से मुझे एक बंदा ऐसा मिला जो कि टीम इलीट में था। तो गाइस क्या आप लोग गेस कर सकते हो वो बंदा कौन हो सकता है? तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर भी आपको मेरे वॉइस के अंदर चेंज देखने को मिला होगा, क्योंकि यार आज भी मुझे फीवर है। तो गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज उसे इग्नोर कर देना, लेकिन आपको दो चीजों का बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पहली चीज है गाइस नीचे एक लाइक का बटन आपको दिख जाएगा, प्लीज यार उसे दबा देना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और यार सेकंड चीज तो आपको पता है कि मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे डेली ऐसे हम इसी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, यहां से सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आज इस वीडियो के बीच में आपके लिए कहीं पर भी एक सरप्राइज है, तो इसलिए बोल रहा हूं आप लोग वीडियो का एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और गाइस अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो गाइस आप लोग वो सरप्राइज को मिस कर दोगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्लिप के साथ। और फर्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग इस बंदे को देख सकते हो, उस टाइम पे इसके पास था सीजन 3 का इलेट पास और इस बंदे की आईडी भी काफी बढ़िया थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे की आईडी मैंने सर्च कर दी है और ये बंदा 6 दिन से गेम में ऑफलाइन है। जैसे इस बंदे की आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 72। और गाइस यहाँ पर आप लोग इस बंदे की आईडी तो देख ही सकते हो, भाई इस बंदे के पास हिप हॉप बंडल भी है, मतलब इस बंदे के पास होगा सीजन 2 का इलेट पास। गाइस बात करें इस बंदे के ड्रेस कॉम्बिनेशन की, तो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सबसे पहले तो ये ब्लैक वाले हेयर, क्योंकि एक टाइम में हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही डिमांडिंग थे। उसके बाद में इसके नॉर्मल से ग्लासेस और उसके बाद में आती मेन चीज जो कि हिप हॉप का शर्ट, उसके बाद में जैज पैंट और हिप हॉप के शूज। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन कौन सी यूट्यूबर का है। और गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारे हर वीडियो के अंदर जितने भी बंदे कमेंट करते हैं उनमें से किन्हीं दो बंदों की आईडी में टॉप अप करके दे तो 500 डायमंड बिल्कुल फ्री में। गाइस आप लोग हर वीडियो में कमेंट जरूर करा करो, उसके साथ में अपनी यूआईडी भी दे दिया करो। गाइस बात करें इस बंदे की आईडी की, तो गाइस यहां पर आप लोग इस बंदे की बैजेस देख सकते हो। ये बंदा 5 महीने पहले तक फ्री फायर को बिल्कुल अच्छे से खेल रहा था, लेकिन देख सकते हो 5 महीने से ये बंदा बहुत ही इनएक्टिव हो चुका है। गाइस आप लोग बताना आपको इस बंदे की आईडी कैसी लगी है। अब हम बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। गाइस यहां पर आप लोग हमारा सेकंड क्लिप देख सकते हो। गाइस यहां पर आप लोग इस बंदे को देख सकते हो, यार इस बंदे का लेवल भी बहुत कम था और इस बंदे के पास कोई अच्छा ड्रेस भी नहीं था, लेकिन यार ये क्लिप है 2017 का। गाइस जब हम लोग इसी आईडी को कॉपी कर लेते हैं और सर्च करते 2022 के अंदर, गाइस यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये बंदा 1 दिन से गेम में ऑफलाइन है। और जैसे इस बंदे की आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 76। और गाइस क्या आप लोगों ने इस बंदे की आईडी में एक चीज नोटिस करी? अगर हां तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो, यार वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बंदे की आईडी की। तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे के पास है वेनम वाले हेयर, उसके बाद में नॉर्मल से ग्लासेस, फिर ब्लैक वाला टी शर्ट, उसके बाद में जैस पैंट और वेपन में इस बंदे के पास मैकेनिकल MP40। और इस बंदे के बैचेस भी आप लोग देख सकते हो, बंदा कभी कभी इलेट पास ले लेता है, कभी कभी छोड़ देता है। आप लोग इस बंदे की आईडी में यूनिक चीज देख सकते हो। गाइस ये बंदा SSN आर्मी गिल्ड में इसके लीडर के पास है वी बैच। तो गाइस क्या आप लोगों ने सही गेस करा था कि इस बंदे की आईडी में क्या यूनिक चीज है? तो गाइस बात करें इस बंदे के प्रोफाइल की, तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा 76 लेवल, 29,000 लाइक्स, एवटर बैनर है सीजन 1 के फायर पास का और ये बंदा दोनों ही रैंक में हीरोइक पर। गाइस यार इस बंदे की आईडी भी काफी बढ़िया थी। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर, लेकिन यार उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। और गाइस मैं देख रहा हूं यार 4 दिन से चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहे, तो आप लोग प्लीज यार इस वीडियो को एक शेयर कर देना, यार आपका एक शेयर हमें बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो गाइस यहां पर आप लोग हमारा थर्ड क्लिप देख सकते हो, यार यहां पर एक बंदा नॉक पड़ा था जिसको सामने से हेड मार के चला गया। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का लेवल भी बहुत ही कम था और इस बंदे के पास ना ही तो कोई अच्छा ड्रेस था, ना ही लाइट पास था, लेकिन गाइस ये क्लिप है 4 साल पुराना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी आईडी को मैंने अभी के टाइम में सर्च कर दिया है और ये बंदा कुछ टाइम पहले हमारे गेम में ऑनलाइन भी था। तो गाइस जैसे इस बंदे की आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 71 और शायद आप लोगों ने इस बंदे का गिल्ड का नाम तो देख ही लिया होगा। तो गाइस ये बंदा है टीम इलीट गिल्ड में, जो कि हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस गिल्ड है। गाइस बात करें इस बंदे की आईडी की, तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे के पास ब्रेक डांसर बंडल, उसके बाद में एशियन स्कार और इस बंदे का बॉडी है गोल्डन शेड बंडल का और इस बंदे के पास ये जो पैंट है गाइस ये सच्ची में पहले इतना ज्यादा रेयर था, लेकिन यार फ्री फायर वालों ने इसको भी रिटर्न में दे दिया था। उसके बाद ये वाला पैंट इतना ज्यादा रेयर नहीं रहा, लेकिन यार पहले ये बहुत ही रेयर था। वैसे यार इस बंदे का जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है वो सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे आप लोग बताना गाइस आपको ये ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो गाइस बात करें इस बंदे के प्रोफाइल की, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 71 लेवल, 21,000 लाइक्स और इस बंदे का एवटर बैनर सीजन 4 के हीरोइक का, जो कि बहुत कम बंदों के पास होगा और ये बंदा दोनों ही रैंक में हीरोइक पर। और इस बंदे के बैजेस भी आप लोग देख सकते हो, ये बंदा सारे लेट पास लेता है और ये बंदा सारे बैजेस भी कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये बंदा गेम में एक्टिव भी है। तो गाइस आप लोग बताना आप लोग
लोग इस बंदे की आईडी कैसी लगी। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। गाइस हम लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के। प्लीज आज आप लोग सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारा ये टारगेट बहुत ही क्लोज आ चुका है और आप लोग इसे इजीली कंप्लीट करा सकते हो। तो गाइस यहां पर आप लोग हमारा नेक्स्ट क्लिप देख सकते हो। इस बंदे की आईडी मैंने सर्च करी थी, ज्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। जिस एनिमी ने इस बंदे को मारा था तो गाइस उसकी आईडी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम न्यू आईडी देखने को मिलेगी। लेकिन यार जब इसी आईडी को मैं सर्च कर लेता 2022 के अंदर, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार ये बंदा 30 दिन से गेम में ऑफलाइन है, मतलब कि इसने फ्री फायर को क्विट कर दिया। और जैसे इस बंदे की आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे का लेवल था 79 और इस बंदे के पास था येलो क्रिमिनल बंडल। मतलब यार इतनी रेयर आईडी जिसमें क्रिमिनल बंडल हो, इतना ज्यादा लेवल हो, उसके बाद भी यार ये बंदा फ्री फायर को क्विट कैसे कर सकता है। यार आप लोग इस बंदे की आईडी देख सकते हैं, कितनी ढेर सारी चीजें इस बंदे की आईडी में थी। येलो क्रिमिनल था, उसके अलावा वेक्टर की डबल स्किन थी। और इस बंदे की लाइट पास देख के लग तो नहीं रहा ये बंदा फ्री फायर को क्विट करने का सोच रहा था, क्योंकि यार देख सकते हो ये बंदा सारी लाइट पास भी ले रहा था और फिर एकदम से यार इस बंदे ने गेम को क्विट कर दिया। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बंदे ने फ्री फायर को खुद से क्विट करा है या फिर इस बंदे की आईडी बैन हो गई। क्योंकि अगर इस बंदे को गेम क्विट करना ही होता तो ये बंदा पहले इलाइट पास कम खरीदता है, फिर बैजेस क्लेम नहीं करता और उसके बाद गेम क्विट करता। लेकिन यार इस बंदे की आईडी एकदम से ऑफलाइन हो गई। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताओ। तो बात करें इस बंदे की प्रोफाइल की, तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा 79 लेवल, 35,000 लाइक्स और इस बंदे का गिल्ड भी यहां पर आप लोग देख सकते हो। और बात करें इस बंदे की एविटर बैनर की, तो गाइस वो तो एकदम नॉर्मल से। इस बंदे के बैजेस तो मैंने आपको पहले दिखाई दिए। गाइस आप लोग बताना आपको ये आईडी कैसे लगी। गाइस ये थी हमारी फिफ्थ आईडी, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। गाइस ये आईडी भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो एनिमी था इसका एक और टीममेट था जिसके पास कोई भी ड्रेस नहीं था, उस बंदे का लेवल भी बहुत ही कम था। लेकिन गाइस जब हम लोग इसी आईडी को सर्च कर लेते 2022 के अंदर, यहां पर आपको देखने मिल जाएगा ये बंदा कुछ टाइम पहले हमारे गेम में ऑनलाइन था। और जैसे इस बंदे की आईडी को मैं ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 78 और यार इस बंदे के पास भी एक क्रिमिनल बंडल। लेकिन यार इस बंदे के पास है टॉप वाला क्रिमिनल, मतलब कि रेड क्रिमिनल बंडल, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में कितना ज्यादा डिमांडिंग है। गाइस बात करें इस बंदे की आईडी की, तो गाइस यहां पर आपको रेड क्रिमिनल बंडल तो देखने को मिल ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास जो वेपन है गाइस वो है M1014 जिसका इस बंदे के पास ईवो गन स्किन है, वो भी फुली मैक्स है। इस बंदे के बैजेस भी यहां पर आप लोग देख सकते हो, बंदा सारी लाइट पास लेता है और इस बंदे की आईडी देखकर पता चल रहा है बंदा फ्री फायर में बहुत ज्यादा टॉप अप करता है। तो बात करें इस बंदे की प्रोफाइल की, तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा 78 लेवल, 35,000 लाइक्स और ये बंदा स्टार हॉक्स गिल्ड का लीडर। और बात करें इस बंदे के एविटर और बैनर की, तो गाइस इसका एविटर है सीजन 4 के लाइट पास का और बैनर है सीजन 5 के हीरोइक का। गाइस आप लोग बताना आपको इस बंदे की आईडी कैसे लगी। गाइस अभी बारी आती है उस बंदे की जिसके लिए आप लोग वीडियो में शायद अभी तक बने हुए हो। गाइस मैं बात कर रहा हूं देसी गेमर्स की। गाइस यहां पर आप लोग देसी गेमर का पुराना गेम प्ले देख सकते हो। गाइस ये गेम प्ले सीजन 4 का, मतलब सोच सकते हो यार ये गेम प्ले कितना ज्यादा पुराना होगा। गाइस मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि ये गेम प्ले देसी गेमर्स का ही है। गाइस सबसे पहले तो यहां पर आप लोग गेम प्ले देख सकते हो। गाइस मैच के अंदर सिर्फ दो बंदे अलाइव हैं और यहां पर देसी गेमर्स के हो चुके हैं पूरे 5 किल। सामने की तरफ बंदा था, उसके दो हेडशॉट पड़े और ओपी से यहां पर बोया हो गया। तो गाइस जैसे ही आपको बताऊंगा, जैसे हमारा मैच खत्म होता है तो गाइस ऊपर की तरफ में हम लोगों को मिलती है यूआईडी। गाइस यहां पर मैं आपको ये यूआईडी सर्च करके दिखाने वाला हूं और दिखाता हूं गाइस ये बंदा अभी के टाइम में कौन है। गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये आईडी मैंने सर्च कर दिया और गाइस ये आईडी है अमित भाई यहां पर लिखा हुआ है, जो कि एकदम रियल वाला है। यहां पर देख सकते हो वी बैच भी है। और जैसे मैं इस बंदे की आईडी ओपन करता हूं तो गाइस यहां पर आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 75 और बात करें अगर आईडी की, तो गाइस यहां पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बंडल देखने को मिल जाएंगे। लाइक इनके ड्रेस के अंदर आपको सबसे पहले तो देखने मिल जाएगा यहां पर टॉप वाले इनक्यूबेटर के बाल और उसके बाद में आता है एशियन स्कार्फ जो कि मिला था सीजन 4 के इलाइट पास में, जो कि हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही डिमांडिंग है। वैसे गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला मास्क कैसा लगता है। और उसके बाद में था नेवी शेड वाले बॉडी जो कि कुछ टाइम पहले गेम में रिटर्न आया है और फिर है जेस पैंट। और यार ये वाला जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग बताना गाइस आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस यहां तक तो बात हो गई ड्रेस की, अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। तो गाइस प्रोफाइल के अंदर आपको देखने मिल जाएगा 75 लेवल, 30,000 लाइक्स और गाइस एविटर बैनर एकदम नॉर्मल सा। और सबसे मेन चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो कि है वी बैच। तो गाइस इनके आईडी में वी बैच भी है, जिससे ये पता चलता है एकदम ओरिजिनल आईडी है। और उसके अलावा बात करें रैंक की, तो गाइस रैंक है डायमंड 4 और बैजेस भी यहां पर आप लोग देख सकते हो, बंदा सारे लेट पास लेता है। और गाइस इनके गिल्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, चूंकि सर्वाइवर गिल्ड जिसके अभी के टाइम में लीडर है। तो गाइस ये थी हमारे देसी गेमर की आईडी। आप लोग बताना गाइस आपको ये आईडी कैसे लगी। और वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आप लोगों से बोला था, वीडियो के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो गाइस ये रहा आपका प्राइस, मैंने आप लोगों से बोला था 6000 डायमंड का गिव अवे करूंगा। गाइस ये रहा 4000 का रिडीम कोड, इसमें आज 6000 डायमंड तो आराम से आ जाएंगे, पर इसको सिर्फ एक बंदा रिडीम कर पाएगा जो इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा। तो यार इसलिए मैं आपसे रोजाना कहता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। और गाइस आपकी वजह से बहुत सारे गिव अवे होने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट जल्दी कर लो। आज की सारी आईडीज यहीं पे खत्म हो गई हैं एंड अगर आप लोगों को भी जीतना है गाइस रिडीम कोड, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।